नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़। अयोध्या के थाना महाराजगंज पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 3,27,000 रुपए नगद व लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कीमती जेवरात भी बरामद किए। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि थाना महाराजगंज पुलिस की टीम ने मुखबरी की सूचना पर कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना में शामिल सचिन यादव पुत्र दयाराम यादव, गोलू उर्फ अनूप सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह व दीपू उर्फ दीपक पुत्र हितलाल को दशरथ समाधि जाने वाले मार्ग पर स्थित बांदा तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी ने बताया है कि पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के 3,27,000 रुपए नगद व 6 व 7 लाख रुपए की कीमती जेवरात बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। बंद घर में चोरी की घटना कारित की गई थी कुछ अपराधियों द्वारा। दिन में ही जब मकान में रहने वाले लोग घर से बाहर थे तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण और जिन पे शंका हो सकती थी, जो संदिग्ध थे, उनके बारे में जानकारी की गई और 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूरी तरह से अनावरण तथा इसमें लगभग 100% जो चोरी गया सामान था और कैश था उसको बरामद किया। 3,27,000 की कैश की रिकवरी और लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए की ज्वेलरी जो इसमें चोरी गई थी उसको बरामद किया। तीन अभियुक्त इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इनका जो मुखिया है वो जिसका नाम सचिन यादव है, वो जो पीड़ित परिवार है उसका परिचित है, पीड़ित के लड़के का मित्र है और मित्र होने के नाते इसको घर के लोगों के मूवमेंट के बारे में जानकारी थी। उसको ये पता था कि घर के लोग अभी नहीं हैं, किसी कार्यवश बाहर हैं और घर में कैश और ज्वेलरी होने की भी इसकी जानकारी थी क्योंकि वो काफी क्लोज फ्रेंड था उसका। और इस चीज का लाभ उठाते हुए सचिन ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, परंतु पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये जो चोरी गया कैश और ज्वेलरी थी उसको ये डिस्पोज नहीं कर पाए थे और इसमें लगभग 100% बरामदगी पुलिस टीम ने सुनिश्चित कराई। ठीक है।